रश्मि शर्मा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद पर फिर पाकिस्तान को घेरा भारत ने, कहा पाकिस्तान में मौजूद है 40,000 आतंकवादी। भारत में कोविड 19 का कहर बरकरार, राजस्थान का भीलवाड़ा फिर बना हॉटस्पॉट, प्रदेश में संक्रमितों की संख्या हुई 46,000 के पार। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना, कहा राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति ना हो। राजस्थान के कई जिलों में हो सकती है झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है। उन्होंने UN की उस रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें विदेशी आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान की भागीदारी को दोहराया गया है। उन्होंने कहा है पाकिस्तान के आतंकियों की अफगानिस्तान में उपस्थिति है जो वहां आतंंकी हमलों को अंजाम देते हैं। TS तिरुमूर्ति ने कहा कि यह सर्वविदित तथ्य है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है। UN की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सेक्शंस मॉनिटरिंग टीम की 26वीं रिपोर्ट का हवाला देते हुए राजदूत ने कहा कि UN ने अपनी रिपोर्ट में विदेश में आतंकवादी हमलों में पाक की भागीदारी को दोहराया है। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने की पहली वर्षगांठ पर अलगाववादी हिंसक प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। इस प्रकार की सूचना मिलने के बाद श्रीनगर में 4 और 5 अगस्त को कर्फ्यू लगा दिया गया है। इससे पहले कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण पूरी कश्मीर घाटी में 5 अगस्त तक के लिए फिर से पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा चुका है। श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट शाहिद चौधरी के अनुसार पुलिस के पास इस बात की जानकारी है कि अलगाववादी और पाकिस्तान परस्त गुट इन प्रदर्शनों की आड़ में हिंसा भी फैला सकते हैं, इसलिए श्रीनगर में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। पूरी घाटी में प्रतिबंध के दौरान आवश्यक सेवाओं और आपातकालीन चिकित्सा को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के आवागमन पर पाबंदी है। मुंबई में लगातार हो रही जोरदार बारिश के चलते कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई इलाकों में करीब 2 फीट तक पानी जमा हो गया। ब्रांड मुंबई नगर निगम के अनुसार मुंबई शहर में पिछले 10 घंटों में 230 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। अरब सागर के ऊपर मानसून के सक्रिय होने से मुंबई में जबरदस्त बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज मुंबई में भारी बारिश के साथ साथ हाई टाइड की भी चेतावनी जारी की है। समंदर के आसपास के रहने वाले लोगों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। साथ ही BMC ने मुंबई के कई अन्य हिस्सों में भी लोगों से बाहर ना निकलने की अपील की है। भारत में कोरोना संक्रमण मामलों में लगातार तेजी आती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 52,050 नए मामले सामने आए हैं और 803 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 18,55,746 हो गई है और अब तक 38,938 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान में भी संक्रमण मामलों में वृद्धि हो गई है। प्रदेश में पिछले 12 घंटे के दौरान 551 नए मामले सामने आए हैं। इनमें भीलवाड़ा में 95, अलवर में 85, कोटा में 73, पाली में 72, बीकानेर में 55, जयपुर में 43, बाड़मेर में 37, उदयपुर में 32, डूंगरपुर में 24, बारा में 17, चूरू में 11, बांसवाड़ा में 3, जैसलमेर में 3, वहीं राज्य में बाहर से आया एक व्यक्ति संक्रमित मिला, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 46,106 पहुंच गई। वहीं 8 लोगों की मौत भी हो गई है। इनमें अजमेर में 3, अलवर में 2, करौली, सीकर और दूसरे राज्य से आए एक एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रदेश में मरने वालों की संख्या 727 हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने राजस्थान के जैसलमेर में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान सुरजेवाला ने हरियाणा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बागी विधायकों से भाजपा की आवभगत छोड़कर वापस आ जाएं। सुरजेवाला ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की हर कोशिश नाकाम होगी। वहीं राम मंदिर मुद्दे भूमि पूजन पर बोलते हुए कहा कि ठीक 24 घंटे पहले मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो वार्तालाप करें और उसको करने के लिए पहली शर्त है कि भारतीय जनता पार्टी की आवभगत मेहमान नवाजी छोड़ें, मनोहर लाल खट्टर जी की भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार का सुरक्षा चक्र छोड़ें। हरियाणा में तो आए दिन बच्चों की, मासूम बच्चों की हत्या हो रही है, उसके लिए तो पुलिस उपलब्ध नहीं। गैंग रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लोगों को गुड़गांवा में सरेराह पीटा जा रहा है, उसके लिए पुलिस उपलब्ध नहीं। परंतु इन 19 विधायकों की सुरक्षा के लिए सैकड़ों हजारों, 1,000 के करीब पुलिस कर्मी जो लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी
हर कांग्रेस पार्टी के नाराज विधायकों को जो सुरक्षा दे रही है उसके क्या मायने हैं। इसलिए पहले भाजपा की आवाभगत छोड़ें, पहले भारतीय जनता पार्टी से मित्रता तोड़ें, पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ें, पहले भारतीय जनता पार्टी की मेहमान नवाजी छोड़ें, पहले भारतीय जनता पार्टी की पुलिस का सुरक्षा चक्कर तोड़ें, वापस अपने घर वापसी करें, वार्तालाप तब हो पाए। आज राजस्थान निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चुनाव कराए जाए या आगे के लिए टाल दिया जाए। 129 निकायों का कार्यकाल इसी महीने पूरा हो रहा है। LSG ने चुनाव को 3 महीने बढ़ाने को लेकर आयोग को पत्र लिखा है, जिस पर आयोग ने निकायवार कोरोना की रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट के बाद आयोग तय करेगा कि चुनाव अभी हो या इसे आगे तक के लिए टाला जाए। राजस्थान में झमाझम बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के 7 जिलों में गरज के साथ कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 7 जिलों में बारिश की संभावना है। कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, टोंक, जयपुर और सवाईमाधोपुर जिले में कहीं कहीं पर गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। इन इलाकों में आसमान साफ रहने के साथ तापमान में भी मामूली बढ़त हो सकती है। रायथल गांव से जिला मुख्यालय तक जाने वाली 8 से 10 किलोमीटर सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क के खराब होने से ग्रामीण व वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि 24 से 25 वर्ष पूर्व बनी यह सड़क वर्तमान में मरम्मत के अभाव में अपना अस्तित्व खो चुकी है। करीब 8 से 10 किलोमीटर तक के इस सड़क मार्ग को देखकर लगता ही नहीं कि यहां पहले कभी सड़क भी बनी थी या नहीं। ग्रामीण महेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि रायथल बालवाड़ा मार्ग पर नामत की डामर रह गई है। कहीं कहीं डामर सड़क और थोड़ी कंक्रीट दिखाई देती है। हर बार बारिश में थोड़ा थोड़ा करके सड़क टूटती जा रही है। प्रवासी पत्रकार प्रेम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि इस सड़क मार्ग के बारे में कई बार अखबारों में खबर लग चुकी है, मगर जनप्रतिनिधि भी सिर्फ आश्वासन देते हैं। आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 241.91 अंक ऊपर 37,181.51 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.65% 70.95 अंक की बढ़त के साथ 10,962.55 के स्तर पर खुला। आज बजाज ऑटो, UPL, HDFC बैंक, मारुति, जी लिमिटेड और कोल इंडिया की शुरुआत बढ़त पर हुई। वहीं पावर ग्रिड, सिप्ला, टाटा मोटर्स, विप्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर और श्री सीमेंट के शेयर गिरावट पर खुले। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार।